ये लो, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। भड़ास नाम का एक आदम भेड़िया जवाहरात बटोरता था, जिनकी मदद से वो अपनी शक्ति बढ़ाता था। वैसे तो सिर्फ पूर्णमासी की रात में ही एक आदम भेड़िया भेड़िया बन सकता है, लेकिन कुछ विशेष जवाहरात हासिल करने पर भड़ास अपनी मर्जी से ही भेड़िया बन सकता था। भड़ास और उसके बनाए हुए बाकी आदम भेड़ियों ने शाही खानदान को कई दशकों तक आतंकित करके रखा। अगर एक आदम भेड़िया किसी को काटता है और वो जिंदा रहता है तो वो भी एक आदम भेड़िया बन जाता है। इस तरह से इन आदम भेड़ियों ने बहुत से लोगों की जान ली, पर आखिरकार इन सबको मार दिया गया। शुक्र है कि तुम दोनों को आदम भेड़िया ने नहीं काटा। ये तो गड़बड़ हो गई दोस्तों, ये तो आदम भेड़िया बन रहा है। सुनो दोस्तों, आदम भेड़िया को मारने के लिए चांदी की गोलियां चाहिए होती हैं। समझे तुम? आदम भेड़िया के लिए चांदी की गोलियां, ड्रैकुला के लिए लहसुन और मेरे लिए एक बर्गर ले आओ। ए, तुम लोग हो कौन और आदम भेड़िया के बारे में इतना कैसे जानते हो? पहले से ही काफी सबूत है क्योंकि ये हमारा शौक है। शौक है? लोगों का ऐसा शौक पालते पहली बार सुन रहा हूँ। ओए, क्या तुम लोग इस रहस्य को सुलझाने में मेरी मदद करोगे? जरूर, फिर तो हम सर्कस में शामिल भी हो सकते हैं। हाँ, वही बाकी रहेगा। ओए, पर ये खेल बहुत खतरनाक है। मैं तुम लोगों का शो देखने जरूर आऊँगा, चलता हूँ। ज्यादा गड़बड़ मत करो शाकी, तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा। साथ नहीं, लात। हमें सहयोग देना होगा। मेरा दुरुपयोग मत करो। और अगर गर्मा गर्म जलेबी मिल जाए तो? मुझे भूल जाओ, मलाई रबड़ी भी मिलेगी क्या? साथ में रसगुल्ले भी। दोस्तों मैं तैयार हूँ, मुझे क्या करना है? तैयार हूँ, रसगुल्ले जलेबी। अगर तुम लोग सचमुच सर्कस में शामिल होना चाहते हो तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम लोगों में से किसको क्या आता है? मैंने पिछले साल सर्कस की ट्रेनिंग ली है। हाँ हाँ, पता है। तो क्या सीखा तुमने? मैं ट्रेपीज खेल का अभ्यास कर रहा था, मगर काफी हड्डियाँ टूट भी गई। लेकिन तुम तो तंदुरुस्त लग रहे हो। क्या? ओह, मेरी हड्डियाँ नहीं, मुझे किसी को पकड़ना था पर वो गिर गया किसी के ऊपर, और फिर दोनों दूसरे लोगों के ऊपर गिर पड़े। बहुत बुरा हुआ। तंबू के बम्बू उखड़ गए, पॉपकॉर्न का ठेला उलट गया जिससे तंबू में आग लग गई, और कुछ लोग बेहोश भी हो गए, और सब गड़बड़ हो गई। अब मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। गलती तो मेरी ही थी, लेकिन मुझे इस घटना से एक जरूरी सबक मिला। और वो क्या? किसी को भी गिराओ मत और खुद भी गिरो मत। तुम्हारी बुनियाद तो अच्छी है। तुम्हें ट्रेपीज खेल में जूनियर आर्टिस्ट के सेकंड असिस्टेंट का थर्ड हेल्पर बना दूं तो कैसा रहेगा? ये तो बड़े गर्व की बात है सर। तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारा लाल रुमाल भी अच्छा है, तो किस किस के पास कौन सा हुनर है? मुझे बचपन में मोटरसाइकिल से करामात करने का बहुत शौक था। इसकी प्रैक्टिस में तो सालों लग जाते हैं। मैं अभी सबूत दिखाती हूँ। ऐसी है टेक्निक उड़ान, छूकर आए सातवां आसमान, मोटरसाइकिल वाली कमाल देख, शेट्टी अन्ना भी हो गए हैरान। बहुत खूब। वैसे तो मैंने जानवरों का खेल बंद कर दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए छूट है, तुम्हारा दोस्त काफी काबिल लग रहा है। वह आपने सही पहचाना, शेक हैंड्स। चखना खाओगे? प्लीज, मुझे और नहीं रहा जा रहा, प्लीज। अच्छा बच्चा। समझ में नहीं आता कि कौन इंसान है और कौन कुत्ता। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, इसकी झोली में तो तमाशे की पूरी झांकी है, दिखा दो इसको। चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी पे निकली अपनी सवारी, थोड़े का तो खेलने राला, थोड़े आगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। कैसा लगा? ये सब तुमने उसे सिखाया? हाँ, बस थोड़ी मदद की जरूरत होती है। अच्छा काम किया। और हाय, तुम्हें डर ज्यादा लग रहा है तो तुम जगलिंग कर लो। नहीं नहीं, मैं कर सकती हूँ। लेकिन क्या? पता नहीं।